सिनेमेटिक साउंड को सुनने के अगर आप शौकीन हो यार, अगर आपको पावरफुल बेस सुननी है इन 2021 में, आज मैं आपको होम थिएटर बताऊंगा जो कि आप परचेज कर सकते हो 5000 के प्राइस रेंज में। ज़्यादा समय खराब नहीं करते, बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर फाइव की बात करने से पहले भी मैं आपको कह देना चाहता हूँ, मैं जितने भी आज आपको होम थिएटर्स बताऊंगा वो टीवीज के लिए, गेमिंग के लिए, अगर आपने सिनेमेटिक साउंड सुनना चाहे, अगर आप हैवी बेस सुनने के शौकीन हो, आप सभी के लिए परफेक्ट डील होने वाला है। तो बात करते हैं नंबर फाइव की बात करूँ नंबर फाइव पर यार मैंने रखे हैं फिलिप्स की ओर से होम थिएटर। जो मॉडल नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, अगर आपने चेकआउट करने हैं तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले इसके प्राइस रेंज की बात करते हैं, तो आपको 4990 रुपीज़ के बजट रेंज में ये अमेजोन पे अवेलेबल आपको देखने को मिल जाते। तो भाई अगर आपने फिलिप्स की ओर जाना है आप जा सकते हो, आपको 4.5 रेटिंग मिल जाती है, पॉजिटिव कमेंट देखने को मिलेंगे, प्लस फिलिप्स एक ट्रस्टेड ब्रांड है, टॉप ब्रांड में से आता है, एंड इनके जो म्यूजिक सिस्टम होता है वो सच में उनकी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ वोकल क्वालिटी या साउंड क्वालिटी आपको अपर देखने को मिल जाती है। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये होम थिएटर आपको 4.1 चैनल के साथ देखने को मिलता है, प्लस आपको 45 वॉट की आउटपुट पावर देखने को मिलेगी, आपको USB पोर्ट भी मिल जाएगा, SD पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है, प्लस आपको बिल्ड इन FM वगैरह भी साथ में देखने को मिल जाता है, आपको एक साल की वारंटी मिल जाएगी, रिच एंड क्लियर साउंड क्वालिटी आपको सुनने को मिलेगी। कनेक्टिविटी की बात करूं, आप MP3 के साथ इसको, प्लेयर के साथ इसको अटैच कर सकते हो, मोबाइल फोन के साथ अटैच कर सकते हो, PC लैपटॉप के साथ अटैच कर सकते हो, अगर आपने TV के लिए लेना है होम थिएटर तो आप उसके साथ भी इनको अटैच कर सकते हो। इसके साथ आपको रिमोट कंट्रोल मिल जाता है। अगर मैं इसके वेट की बात करूं, आपको 6 kg वेट देखने को मिलेगा फिलिप्स होम थिएटर का, एंड अगर इसके मैं कलर की बात करूं, आपको ब्लैक कलर में देखने को मिल जाता है ये होम थिएटर। तो भाई अगर आपने जाना है फिलिप्स होम थिएटर्स की ओर तो आप जा सकते हो, बाइंग लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एंड अगर आपका बजट लाइक 5000 से कम है तो आप इस बजट रेंज में फिलिप्स की ओर जा सकते हो। तो 4.5 रेटिंग मिल जाती है, पॉजिटिव कमेंट देखने को मिलेंगे, बहुत लोगों ने परचेज किया, बहुत लोगों ने इन होम थिएटर को पसंद किया। तो भी अगर आपने भी जाना है आप जा सकते हो, लेकिन जो मैं आगे बताऊंगा वो इससे भी अपर होने वाला है। तो आगे बात करते हैं नंबर फोर पे यार मैंने रखा है इन्फिनिटी हार्ड रॉक 210 को। तो अगर मैं इन होम थिएटर्स की बात करूं, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, इन्फिनिटी जो है वो JBL का ही सब ब्रांड है। तो JBL ब्रांड की एक खासियत है कि इनकी जो बूफर की क्वालिटी होती है या इनकी जो वोकल क्वालिटी है वो फटती नहीं है, ठीक है। अगर आपने हेडफोन्स देखे हैं, ईयरबड्स देखे, अगर आपने मतलब यूज़ किए हैं तो आपको पता होना चाहिए इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अपर होती है। प्लस भी अगर आप डीप बेस सुनने के शौकीन हो, आपके लिए ये होम थिएटर परफेक्ट डील होने वाले हैं। आपको 100 वॉट्स की पीक आउटपुट पावर देखने को मिल जाती है, वुडन कैबिनेट सबवूफर देखने को मिलेगा, प्लस आपको 2.1 चैनल के साथ देखने को मिलते हैं, 3 मोड्स देखने को मिल जाते हैं, लाइक अगर आप मूवीज देखते हो तो आप मूवीज पर सेट कर सकते हो, अगर आप सॉन्ग सुन रहे हो तो आप सॉन्ग पर सेट कर सकते हो, प्लस भाई अगर आप गेमिंग करते हो आप गेमिंग पर सेट कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग ये अपनी वोकल क्वालिटी या साउंड क्वालिटी एडजस्ट कर लेता है, जो कि इन होम थिएटर की एक प्लस पॉइंट आ जाता है। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको एक साल की वारंटी भी देखने को मिल जाती है। कनेक्टिविटी की बात करूँ, आपको वायरलेस कनेक्टिविटी मिल जाएगी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी, USB कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, प्लस इसमें आपको ऑक्स कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है। आपको इसके साथ AirWave मोड देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 3 मोड्स मिल जाएंगे, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपने मूवीज़ देखनी है, सॉन्ग सुनने हैं, अगर आपने गेमिंग करनी है, ठीक है। आपको वुडन कैबिनेट सबवूफर देखने को मिलेगा। अगर मैं इसके वेट की बात करूँ, आपको 705 ग्राम सिर्फ इसका वेट देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आपने जाना इन्फिनिटी हार्ड रॉक 210 की ओर तो भाई आप जा सकते हो। इनकी साउंड क्वालिटी एंड इनका डिज़ाइन लुक वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा अपर है, ब्लैक कलर में आपको देखने को मिलेंगे। बाइंग लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, 4.6 रेटिंग मिल जाती है, पॉजिटिव कमेंट देखने को मिलेंगे, एंड इस पर वीडियोस वगैरह भी बहुत लोगों ने किया, बिकॉज इनकी जो साउंड क्वालिटी है, वोकल क्वालिटी है, अगर आप डीप बेस सुनने के शौकीन हो, आपके लिए परफेक्ट डील होने वाला है। प्लस भाई अगर आप मूवीज वगैरह देखते हो ज़्यादा या गेमिंग वगैरह करते हो ज़्यादा, आपके लिए तो परफेक्ट डील होने वाली है। प्लस भाई अगर आप अनप्लग्ड सॉन्ग ज़्यादा सुनते हो, आपका भी एक्सपीरियंस ज़्यादा सही होने वाला है। तो एक बार चेकआउट जरूर करना अगर आपका बजट 5000 है। आगे बात करते हैं नंबर थ्री की बात करूँ यार मैंने रखे हैं iBell की ओर से होम थिएटर। मैं बात कर रहा हूँ iBell 2050 DLX की। अगर मैं इन होम थिएटर्स की बात करूँ तो सबसे पहले यार ये आपको 5000 के प्राइस रेंज में नहीं देखने को मिलते, थोड़ा सा प्राइस इसका अपर जा सकता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे कर सकते हो, आपके लिए ये परफेक्ट डील होने वाले हैं। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये होम थिएटर आपको मेड इन इंडिया देखने को मिल जाते हैं, आपको एक साल की वारंटी देखने को मिल जाती है, प्लस आपको 6 मंथ की एडिशनल वारंटी देखने को मिल जाती है, जो कि एक प्लस पॉइंट आ जाता है। आपको 4.1 चैनल के साथ देखने को मिलेंगे, प्लस
आपको 140 वॉट की RMS आउटपुट पावर देखने को मिल जाती है। प्लस इसमें आपको माइक सॉकेट भी देखने को मिल जाता है। तो भी अगर आप सिंगिंग करने के शौकीन हो या अगर आपने अपने होम थिएटर में माइक भी अटैच करना है तो अब आपके लिए ये जो होम थिएटर है परफेक्ट डील हो सकता है। कनेक्टिविटी की बात करूँ आपको SD कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, USB कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है। प्लस आपको FM रेडियो बिल्ड इन देखने को मिल जाता है। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसके साथ आपको फुली फंक्शनल रिमोट भी देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया iBell होम थिएटर के। अगर आपने इनकी ओर जाना है आप जा सकते हो। आपको लाइक मेड इन इंडिया होम थिएटर देखने को मिल जाता है, 1 साल की आपको वारंटी मिल जाती है, प्लस आपको 6 मंथ की एडिशनल वारंटी साथ में देखने को मिल जाती है। प्लस इसका प्राइस भी थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। अगर आप 5000 से एक्स्ट्रा थोड़ा सा पे कर सकते हो आपके लिए परफेक्ट डील होने वाला है। लेकिन जो मैं आगे बताने वाला हूं मैं आपको सजेस्ट वही करने वाला हूं, तो ज्यादा समय खराब नहीं करते, नंबर 2 की बात कर लेते हैं। नंबर टू पे यार मैंने रखे हैं ज़ेब्रोनिक्स की ओर से लाइक होम थिएटर। सबसे पहले इसका डिज़ाइन, इसकी लुक एंड इसकी जो LED लाइटिंग आपको मिल जाती है वो इसके लाइक होम थिएटर को, अगर आपको एक स्टाइलिश होम थिएटर चाहिए आपके लिए परफेक्ट डील होने वाली है, सीधी सी बात है। प्लस इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको अपर मिल जाती है। ज़ेब्रोनिक्स भी एक ट्रस्टेड ब्रांड है, टॉप ब्रांड में से आता है। बात करते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसको Amazon टैग देखने को मिल जाता है, पॉजिटिव कमेंट मिल जाते हैं। प्राइस की बात करूँ आपको 4499 के प्राइस रेंज में ये होम थिएटर देखने को मिल जाते हैं। इसकी लुक वगैरह मैंने आपको पहले बता दी, आपको अपर मिल जाती है, फुली फंक्शन रिमोट साथ में मिल जाएगा, 4.1 चैनल के साथ देखने को मिल जाते हैं, LED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, प्लस आपको 105 वॉट की आउटपुट पावर देखने को मिलेगी। प्लस कनेक्टिविटी की बात करूं आपको USB कनेक्टिविटी मिल जाती है, SD कनेक्टिविटी मिल जाती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, प्लस आपको AUX कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूं इसमें आपको बिल्ट इन FM भी मिल जाता है, पावरफुल बेस सुनने के शौकीन हो या फिर अगर आपको क्लियर साउंड सुनने के शौकीन हो आप सभी के लिए ये जो होम थिएटर है परफेक्ट डील होने वाली है। आपको ग्लॉसी फिनिश में देखने को मिलेंगे, स्टाइलिश डिजाइन है, इजी कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, प्लस आपको 8.5 kg इसका वेट देखने को मिलेगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिए ज़ेब्रोनिक्स होम थिएटर के। अगर आपने इन होम थिएटर्स की ओर जाना है आप जा सकते हो। लाइक इनकी बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ आपको स्टाइलिश डिजाइन मिल जाता है, साउंड क्वालिटी भी आपको अपर मिल जाती है। अगर आप पावरफुल बेस सुनने के शौकीन हो आपके लिए गुड डील होने वाली है। तो भाई मैं आपको रिकमेंड भी करना चाहता हूँ, अगर आपका बिल्ड 5000 से कम है आपके लिए परफेक्ट डील होने वाली है ज़ेब्रोनिक्स होम थिएटर। अभी आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करूँ पर यार मैंने रखी है ट्रॉनिक्स किंग सीरीज 4.1 को। तो सबसे पहले भाई अगर आपका बजट 5000 से भी कम है, अगर आपका बजट 3000 से भी कम है या अगर आपका बजट 2500 है, इसी प्राइस रेंज में आपको ये होम थिएटर देखने को मिल जाते हैं। मैंने इसको लाइक इस बजट रेंज में इसीलिए नंबर वन पर रखा बिकॉज लोगों ने बहुत पसंद किए, बहुत लोगों ने परचेज किए। इनकी जो साउंड क्वालिटी है गलत बोलने लगा था, इनकी जो साउंड क्वालिटी है आपको अपर देखने को मिल जाती है। लाइक पैसा वसूल आपको होम थिएटर मिल जाता है अगर आपका बजट कम है या अगर आप ज़्यादा पैसे पे नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते, आपके लिए परफेक्ट डील होने वाले हैं। तो यार अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए, TV पे लगाने हैं, लाइक अगर आपने अपनी शॉप वगैरह में या अपने घर वगैरह में गाने सुनने हैं, सिनेमेटिक जो है साउंड सुनना चाहते हो, या अगर आपने पावरफुल बेस सुननी है, क्लियर क्वालिटी सुननी है, या अगर आपने अनप्लग्ड सॉन्ग सुनने हैं, आप सभी कैटेगरीज के लिए बेस्ट डील होने वाले हैं। आप जा सकते हो ट्रॉनिक का होम थिएटर की। और अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, तो सबसे पहले यार इनका प्राइस आपको 2500 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाते हैं, आपको 5.1 चैनल के साथ देखने को मिल जाते हैं, प्लस आपको 3500 वॉट की पीक आउटपुट पावर देखने को मिल जाती है। कनेक्टिविटी की बात करूं आपको USB कनेक्टिविटी मिल जाती है, SD कार्ड कनेक्टिविटी मिल जाती है, पेन ड्राइव कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, बिल्ट इन FM भी देखने को मिल जाता है, आपको क्रिस्टल क्लियर साउंड सुनने को मिलेगी, रिमोट कंट्रोल साथ में देखने को मिल जाता है, प्लस आपको 4 इंच का मतलब 4 इंच का वूफर देखने को मिल जाता है, 5 सैटेलाइट आपको स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं इसके वेट की बात करूं आपको 4 kg 830 ग्राम सिर्फ इसका वेट देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिए ट्रॉनिका किंग सीरीज 5.1 के। तो भाई अगर आपने इन होम थिएटर्स की ओर जाना है आपके लिए पैसा वसूल होने वाले हैं, सभी के बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। प्लस मैं आपको कह देना चाहता हूँ यार अगर आपको लाइक इनमें से कोई भी नहीं लेना ना तो और भी जो बाइंग लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि 5000 के बजट रेंज में बेस्ट होम थिएटर होने वाले हैं 2021 में। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो लगी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भी देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भी देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, एंड इंस्टाग्राम पे कर फॉलो, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।